हेलो स्टूडेंट, मैं अजय लखारा आप सभी का आपकी इस फिजिक्स फैमिली में स्वागत करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर बीइंग हियर। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, हम लॉजिक गेट्स कर रहे थे जिसमें हमने बेसिक जो लॉजिक गेट्स थे वो कर लिए थे। आज हम जो बेसिक गेट है वो कम्प्लीट होने के बाद में यूनिवर्सल गेट जो है वो करने शुरू करेंगे स्टूडेंट। तो उसमें सबसे पहले हम नॉर गेट करते हैं। तो देखिएगा, नॉर गेट अगर इसकी डेफिनेशन बनाए डेफिनेशन तो ये होता क्या है, नॉट प्लस में और से बना है नॉर। ठीक है स्टूडेंट, पर ये सीक्वेंस थोड़ी उल्टा होती है, मतलब कि पहले और होता है और उसके बाद में उससे नॉट कनेक्ट कर देते हैं तब जाके हमारे पास में नॉर मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सीक्वेंस गलत है पर इसका नाम इस तरीके से लिया गया कि नॉट और, पर और हमें पहले कनेक्ट करना है, बाद में हमें नॉट जो है वो कनेक्ट करना है तब हमारे पास में नॉर गेट मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड विद इनपुट ऑफ नॉट गेट देन वी हैव नॉर गेट। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो और गेट की आउटपुट है उसको कनेक्ट कर देते हैं जो नॉट गेट की इनपुट है तो हमारे पास में क्या मिलता है, हमें नॉर गेट मिलता है। अब हम इसका सिंबल करते हैं, आपको उससे समझ आ जाएगा। देखिए, मैं एक बार है ना सिर्फ डेफिनेशन जो लिखी है उसको रब कर रहा हूं, जो मैंने आपको यहां बताया था ना वो देखिएगा, इसके सिंबल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले मैंने क्या कहा है, और गेट बनाना है, तो पहले और गेट बना दीजिए। ठीक है, और गेट की कितनी भी इनपुट हो सकती है और हम जनरली दो केस लेके चलते हैं कि दो ही इनपुट है, तो ए और बी दो इसकी इनपुट होगी और इसकी जो आउटपुट होगी मान लीजिए वो वाई डैश है, तो उसको कनेक्ट कर देना है नॉट गेट से और नॉट गेट की हमें पता है एक इनपुट होती है, तो यहां पे हमारे पास में क्या मिलता है, वाई जो है वो आउटपुट मिलती है इससे पास होने के बाद में। यहां पे क्या होगी, ये आउटपुट हमें पता है और गेट क्या करता है, एडिशन कर देगा, तो ए प्लस में बी बन जाएगा, पर जो वो नॉट से क्रॉस होगा तो वो क्या बन जाएगा, आउटपुट ए प्लस बी उसका बार। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका सिंबल है, पर जो सिंबल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो इसका मॉडिफिकेशन है स्मॉल रूप देने के लिए, उसको शॉर्ट रूप देने के लिए। वो क्या है, देखिए जो इसका ओरिजिनल सिंबल है वो हमें ये बना के और गेट बना के और उसके आगे ये नोट बना देते हैं ये, और ये ए है ये बी है और यहां पे जो वाई मिलेगी वो ए प्लस में बी का बार मिलेगी। क्या हुआ कि जो नॉट है उसका भी ऑपरेशन लग गया इस इनपुट पे और का भी ऑपरेशन लग गया, दोनों ऑपरेशन के बाद में ये इकट्ठा मिल गया हमें, तो ये जो है ये इसका सिंबल बोलेंगे हम, सिंगल सिंबल फॉर नॉर गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका सिंबल हो गया जिसको हम ऑफिशियली सिंबल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये यूज होता है न कि ये, और समझने के लिए ये हो जाता है कि और के बाद में नॉट लगा है। ठीक है, तो ये तो इसका सिंबल हो गया स्टूडेंट, और ये जो है ये है इसकी बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन।
ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद में इसकी ट्रुथ टेबल करते हैं, देखिएगा। गेट अगर समझ में आने लग जाए ना तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है और काफी यूजफुल भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो गेट से ही शुरू होती है। तो ये मैं एक बार रब नहीं किया, मैंने यहां पे मैं लिख देता हूं जो बुलन एक्सप्रेशन थी, ए प्लस में बी का बार। और अगर मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखिएगा, वाई किसके इक्वल है, जो वाई डैश था ठीक है, और गेट की जो आउटपुट थी उसका बार था, और गेट की जो आउटपुट थी वो क्या थी, ए प्लस में बी और ये बार, ठीक है। ये भी लिख सकता हूं मैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम इसकी। स्टूडेंट इसके अंदर हम चार केस बनाते हैं, वो चार केस क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं, क्यों बना रहा हूं मैं। तो जरूरी नहीं कि आप हर बार बनाए, पर मैं बनाऊंगा यहां पे, वो किस लिए बनाऊंगा आप देखिएगा। इसका सिंबल बना लेते हैं पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा रिजल्ट क्यों आ रहा है। ये इसकी आउटपुट हो गई वाई, फाइनल आउटपुट है यहां पे ए प्लस में बी का बार। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दो इनपुट है तो केस कितने होंगे, चार होंगे। इनपुट 0-1 वाली होती है ठीक है, और दो इनपुट है यहां पे तो टोटल केसेस चार बनेंगे। वो चार कौन से केसेस बनते हैं वो देखिएगा, ये केस की बात नहीं कर रहा मैं जो 0-1 के केसेस है उनकी बात कर रहा हूं। ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर जहां पे मैं चार केस की बात कर रहा हूं ना वो इसके हैं 0-1 के। कौन कौन से, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1। वाई डेज, स्टूडेंट आपको याद हो तो मैंने जो और गेट की आउटपुट थी, टोटल की नहीं सिर्फ और गेट की आउटपुट, उसको वाई डेस बोला था और मैंने यहां पे लिखा भी है। तो वो वाई डेस क्या हो जाएगा, और गेट क्या करता है, एडिशन करता है, तो एडिशन होगा 0-0 का एडिशन 0-0, 1 का एडिशन 1-1, 0 का एडिशन 1-1, 1 का एडिशन 1। ये तो हो गई और की आउटपुट, पर ये वाई डेस जो है और की आउटपुट है वो तो आगे नोट की इनपुट है, वो फिर टोटल जो फाइनल जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, वो इसका बार होगी ठीक है। मतलब 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0 हो गया स्टूडेंट ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है यहां पे, ये चार केसेस लिए हैं ठीक है, ताकि आपको क्या हो, एक एक पार्ट से कितनी आउटपुट निकल रही है ये आप याद रख लें। क्योंकि पता है क्या है, काफी बार है ना हम भूल जाते हैं कि ट्रुथ टेबल में किसकी वैल्यू क्या थी, पर अगर हमें सिर्फ बेसिक गेट ही याद है कि उनको क्या ऑपरेशन क्या होता है तो हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे करके दिखाया है। पर जहां पे भी आप नॉर गेट की ट्रुथ टेबल देखेंगे वहां पे ये वाली कैलकुलेशन नहीं होगी, डायरेक्ट जो है फाइनल आउटपुट होगी, सिर्फ इतना ही होगा, सिर्फ इतना कि दो आउटपुट और फाइनल में इसकी दो इनपुट और फाइनल में इसकी दो इसकी इनपुट और एक इसकी आउटपुट, ये होगी इसकी ट्रुथ टेबल। जहां कहीं भी आप नॉर गेट की ट्रुथ टेबल देखेंगे वहां पे वो जो एक एक पार्ट्स की है वो कैलकुलेट करी हुई आपको बहुत ही कम जगह मिलेगी। तो ये हो गई ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ वहां पे वन आ रहा है आउटपुट जहां पे दोनों इनपुट 0 होगी ठीक है। ये इसकी ट्रुथ टेबल को याद करने का एक तरीका भी बोल सकते हैं कि व्हेन एवरी एंड ईच इनपुट ऑफ नॉर गेट इज 0 देन वी गेट आउटपुट इज 1 ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए इसका हम सर्किट करते हैं, अब मैं इसको पूरे को ही रब कर रहा हूं। इसका जो सर्किट है वो नॉर गेट का सर्किट हम बनाते हैं
मैंने आपको बताया है कि नॉर गेट क्या होता है, और प्लस में नॉट से बना होता है, इसकी सही सीक्वेंस बोले तो देखिए और गेट बनाते हैं पहले। और गेट मैंने आपको डायोड सर्किट से कैसे बना के दिखाया था, ऐसे बनाया था, ये ए है और ये है बी, ठीक है स्टूडेंट। ये दो डायोड बना के मैंने बनाया था इसको। अगर आप वो और गेट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है आई बटन में, वो देख लीजिए कि और गेट का सर्किट हम कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद में इसकी आउटपुट जो है उसमें एक रजिस्टर लग के ग्राउंडेड कर दिया, और ये जो है ये आगे जाता है ट्रांजिस्टर यहां पे कॉमन एमिटर वाला, ये ग्राउंडेड हो जाता है, ये एमिटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, यहां पे कलेक्टर टर्मिनल है, ये हमारे पास में फाइनल आउटपुट है जो होगी ए प्लस में बी का बार। यहां पे जो आएगी वो होगी वाई डैश, कितनी ए प्लस में बी जो इसकी इनपुट बन गई, और यहां पे बैटरी कनेक्ट होती है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है, ये जीरो है, ये वन है स्टूडेंट। और इसके अलावा यहां से इसकी इनपुट जो है वो हम एसपीडीटी सिंगल पोर्ट ड्यूल थ्रो जो स्विच है उनसे देते हैं, एक ही जो पोर्ट है उसका यूज करके हम उसको 01 देते रहते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट जब किए होंगे लैब में उसमें भी उस स्विच को देखा होगा। तो ये 01 वाली इसकी इनपुट होगी स्टूडेंट, देख लेते हैं। हाँ सारा कंप्लीट हो गया सही से। अब देखिए ये तो है सिर्फ और गेट, इतना तो है सिर्फ और गेट, और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये है नॉट गेट, ठीक है। और इन दोनों को जब हमने कॉम्बिनेशन कर दिया तो हमारे पास में क्या मिला, नॉर गेट मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सर्किट हो गया सर्किट फॉर नॉर गेट, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको जो गेट्स हैं वो काफी बारीकी से करवा रहा हूं, आपको इतनी सारी चीजें मुश्किल है किसी बुक में एक साथ मिलेंगी, अलग अलग बुक्स में मिल सकती है आपको, मैं ये नहीं कहता कि मिलेगी नहीं, पर एक साथ आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है ये चीजें। पर मैंने आपको लगभग हर चीज जो गेट की है वो करवाने की कोशिश की है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम जैसा कि एज यूजुअल हम करते हैं लास्ट में इसकी एप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट, ताकि हमें पता चले कि जो हम कब से सरदर्दी कर रहे हैं अपनी, उस सरदर्दी का हमें फायदा क्या है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर नॉर गेट स्टूडेंट, इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहले अगर मैं कहूं तो वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट, जहां भी हमें बनाना हो वहां पे, वेरेवर नहीं देखिए ऐसे लिखते हैं इसको कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन से स्टूडेंट, देखिए लाइक फुल एडर, हाफ एडर, मल्टीप्लायर्स, ठीक है स्टूडेंट, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नॉर गेट। फिर भी आपको कहीं पे भी नॉर गेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।